अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देसी किचन सीक्रेट्स में आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है कीमा और करेले की, जिसको बनाना बहुत आसान है और ऑलमोस्ट सबको पसंद होते हैं ये। तो सबसे पहले हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। तो आपने करेलों को 1 आवर के लिए सॉल्ट लगा के रख देना है। उसके बाद इसको धो के अच्छे से स्क्वीज करके फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको डीप फ्राई नहीं करना आपने। ये देख सकते हैं आप कितना तेल है, तकरीबन ये 1 कप ऑयल था, उसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। तो करेले हमने फ्राई कर लिए हैं। अब ये वही ऑयल है जिसके अंदर हमने करेलों को फ्राई किया था, ये वही ऑयल हमने यूज़ करना है। तो अब इसमें हम 2 मीडियम साइज के अनियन डालेंगे। इसको तकरीबन 1 मिनट तक हमने पका लेना है। तो काफ़ी टाइम ऐसे होता है करेलों के लिए हम ऑयल लैदा रखते हैं, जिसमें हम बार बार करेले फ्राई करते हैं, तो वो ऑयल पुराना हो जाता है और सेकंड वो बहुत कड़वा हो जाता है। तो इस तरह आप जो भी करेले के फ्राई करने के लिए यूज़ करेंगे उसी में आप करेले पकाएंगे, तो इस तरह वेस्ट भी नहीं होगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अब मैंने जिंजर गार्लिक इसमें डाला था 1 टेबल स्पून, वो भी मैंने भून लिया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर, 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं मैंने, उनको भी मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैंने डाला है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और इन मसालों को हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून योगर्ट। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो अब मैं इसको भून लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 2 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, साइडों पे ऑयल आना शुरू हो गया है, यानी कि अच्छे से हमारा योगर्ट पक गया है। अब हम इस स्टेज में डालेंगे इसके अंदर कीमा। तो ये मैंने चिकन का कीमा लिया, आप बीफ का या मटन का भी यूज कर सकते हैं। तो चिकन का जो कीमा होता है उसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें इतनी स्मेल नहीं होती। जो बीफ और मटन का होता है उसको ज़्यादा देर भूनना पड़ता है। तो इसको तकरीबन मैं 15 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। तो ये तकरीबन 10 मिनट हो गया मुझे इसे पकाते हुए, थोड़ी देर और इसको पकाएंगे जब तक अच्छे से ऑयल इसका साइडों पर निकलना नहीं शुरू हो जाता। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह साइडों पे आप देख सकते हैं कितना ऑयल निकलना शुरू हो गया और बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही कीमे से। तो इस स्टेज पे हमने करेले डाल देने हैं। तो मेक श्योर जब आप करेले डालें कीमे में तो उस टाइम आपने पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना, क्योंकि उससे करेले का थोड़ा सा टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो अब हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको लिड लगा के हमने रख देना है दम पे, जैसे हम चावलों को रखते हैं दम पे, बिल्कुल वैसे हमने इसको रखना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये देखें फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए हैं इसको दम पे रखे हुए, बहुत ही टेस्टी सी स्मेल आ रही है और आप देख सकते हैं कितने यमी लग रहे हैं। जो स्पेशली डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए करेले बहुत अच्छे होते हैं, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय किएगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम मैं करती हूँ इसको डिश आउट और आपको दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कीमा करेले की रेसिपी आज की हो गई है रेडी। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक दे मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।